गुड मॉर्निंग, राम राम सीताराम। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। तो आज है ना, पहले हम ये है गाय का मिल्किंग का काम कर देना। ये सारे बर्तन है ना, एक लेने जाए और दूसरा नीचे। तो अभी ये हमने बर्तन ले लिया है गाय की मिल्किंग के लिए। तो अभी सुबह का तो मैंने आधा पूना काम निपटा लिया है, क्योंकि इन्हें रणजीत को जाना होता है। तो पहले मिल्किंग कर लेती हूँ। देखिए, सुबह के टाइम पहले ये रणजीत के लिए चाय भी रेडी है हमारी। तो मैं भी चाय पी ही लेती हूँ। अभी चाय की चुस्की के साथ दूसरा काम स्टार्ट कर देते हैं। अभी हमारे भोर का भैया है ना, स्कूल जाने के लिए रेडी, बाप बेटा दोनों। अभी न्यू स्कूल जाएगा और विजय छोड़ दे। अब बाय बाय बोली। अभी फ्री टाइम में क्या है ना कि न्यू की टी शर्ट की थोड़ी सी सिलाई निकल गई थी, तो अपने हाथों से ही सिलाई कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा फट जाए इससे अच्छा है कि हाथों से सिलाई हो जाए। और न्यू भैया है ना हमारा, वो टीवी देखता है, क्योंकि अपना टी शर्ट निकाल कर तो वो अपना चेहरा नहीं दिखा पाता। तो अभी मैं हाथ से ही घर पे ये सिलाई कर देती हूँ। कई कपड़ों में हाथ से ही हम सिलाई कर देते, हमारे लिए ये कोई नया काम तो है नहीं। तो अभी माँ आ गई है वापस और कर रही है काउ मिल्किंग। कल मैंने किया था सुबह और शाम को, तो अभी माँ कर रही है। तो गायत्री उसके पास भी सही से ही खड़ी रहती है। देखिए, गायत्री है वो सभी को अच्छे से मिल्किंग करने देती है। ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सन को मिल्किंग करने देती, ये इसका प्लस पॉइंट है हमारी गायत्री का, कि सबको मिल्किंग करने देती है। और देखिए, अभी लक्ष्मी की तो जगह ही चेंज नहीं होती है आजकल, वहीं के वहीं खड़ी रहती है। पता नहीं उसका पैर ही अभी नहीं आगे बढ़ पा रहा है। देखिए, मैं जब भी उसको देखती हूँ ना, इसकी पैर की हालत देखिए कैसी है। उसके पैर देख लीजिए किस तरह से उसने खड़े रखे हैं, और ये पैर देखिए, और ये इतना फर्क है। यहाँ हमारी लक्ष्मी है उसके दोनों पैरों में, तो वो अच्छे से चल ही नहीं पा रही। और भी हम धूप सेकते हैं, क्योंकि कुछ सर्दी भी ज़्यादा हो गई है। कुछ खाया पिया कुछ नहीं और सर्दी हो गई फ्री में, ऐसा है मेरे को। तो भी हमारे ये खेत है, तो उसमें पानी भी चल रहा है। आई थिंक ये लास्ट है, या इसके आगे एक और पानी चलेगा अगर बारिश ना आई तो, वरना तो एक पानी फिर से निकालना पड़ेगा। फिर बाद में हमारा भी मूंगफली का वाड स्टार्ट हो जाएगा। इस साल बारिश कम ही हुई है, कुछ ज़्यादा नहीं हुई है, कम माने बहुत कम। इस साल कुछ मेहनत ज़्यादा ही लग गई है मूंगफली में। तो अभी देखते हैं विंटर की फसल क्या हम लगाते हैं, बोते हैं, क्योंकि इस साल पानी नहीं है। तो देखते हैं। देखिए हमारी मूंगफली को, और ये रहे हमारे सूरज दादा, जिसकी धूप में अच्छी लग रही है। अभी दोपहर के टाइम तो कुछ ज़्यादा ही रहती है, तो नहीं खा सकते, वो तो धूप सेकने के बदले होम सेक जाते हैं। तो अभी देखिए, यहाँ पे लेडीज़ फिंगर भी है, लेकिन अभी उसका वो कुछ खाना नहीं है, क्योंकि अभी ये भादर पक्ष चल रहा है, यानी गुजराती में कहे तो भादरवा महीना और हिंदी में भादर पक्ष। तो अभी भादर पक्ष तो उसमें अभी पित्त का प्रकोप बढ़ जाता है अगर हम ये लेडीज़ फिंगर की सब्ज़ी बनाकर खाते हैं तो। तो अभी इसका कोई उपयोग नहीं है, वरना तो अच्छी लगती है सब्ज़ी, लेकिन अभी कोई नहीं खा रहा है। तो अभी इसमें से निकलना भी थोड़ा मुश्किल हो गया, कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। देखिए मूंगफली को इतने हम इसमें पैर भी देखिए इतने गिर जा रहे हैं, अभी पैर नहीं दिखेगा तो इतनी बढ़ गई है। और फिर बीच में से एक आध हम मूंगफली का ये जो पोता है, छोड़ है, उसे निकालते हैं, देखते हैं कि कैसी मूंगफली है इस साल हमारे खेतों में। तो इतनी बढ़िया भी नहीं है, कभी कभी विजय लेके आते हैं,
लेकिन अभी बीच में जाते हैं और जाके लेके आते हैं कि कैसी है, ताकि कुछ अंदाज़ा लगाया जाए। जैसे अंदाज़ा कभी सही नहीं रहता, कभी लगता है कि कुछ नहीं है तो अच्छी हो जाती, कभी लगता है बहुत है तो नहीं होता ही हमारे अंदाज के मुताबिक। तो अभी देख लेते हैं, अभी बीचों बीच आ गई है वैसे तो। अभी देखते हैं यहाँ से कैसी निकलती है ये मूंगफली है वो। इतनी बढ़िया पीने के चार। वैसे देखिए ये छोटा सा है, मैंने जो ये निकाली है वो, तो अभी देखिए बीच में से है। इतने कुछ बढ़िया पीने ही और कुछ नहीं पी है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन फाइनली तो जब हम निकालेंगे तभी पता चलेगा कि कैसी है। सब ऊपर वाले के हाथ में है, हमारे से तो कुछ होता नहीं, नहीं तो हम तो कितना ही उगा दे। तो ये सब वो हमारे यहाँ गुजराती में कहवत है कि कण में से मन वो भगवान ही बना सकता है, हम नहीं। तो हमने एक बीज रोपा है तो उसके बदले भगवान ने इतने सारे दिए हैं, तो थैंक्स टू गॉड ऑलवेज। ये देखिए टमाटर है, अभी छोटी वो कहते हैं ना वो वाली है, तो कई जगह पे पकी है कहीं कच्ची है, तो अभी पक जाएगी तब ये बहुत ही खट्टी रहती है, तो खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो अभी चलिए नीव भैया को दे देंगे ये, क्योंकि उसे कुछ ज़्यादा ही पसंद है मूँगफली। अब ये इतनी ही है, वरना तो हम इसका ओरा बना के खाए। अभी चलिए हमारा खाना हो चुका है यानी बन चुका है। तो अभी ये संभारा था हमारे गुजरातियों का फेवरेट, तो आज मैंने कोबीज का संभारा बनाया है। देखिए अभी हो गया है फाइनली। अभी है ना विजय को लगी है भूख, और नींव देखिए कितने नखरे कर रहा है, किचन में सो गया, और विजय कह रहा है कि उठ जाओ तो खाना खा ले। अब ये मस्ती जा रही है, और हमारे बापा है ना वो हमारा जो बिल्ला राजा है, आप देख से हैं उसको हर बार, तो उसको पता नहीं कुत्तों ने काट लिया है तो पूरा सिर आधा निकाल दिया, तो बापो उसके सिर पे तेल लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे लाइट चली गई है तो कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, पर वो चला गया है यहाँ से जो आप देख सकते हैं सामने खड़ा है। वैसे लाइटिंग इतनी नहीं है तो आप बहुत अच्छे से नहीं देख पा रहे, तो तेल लगाने से क्या है ना कि उसका जो सर में से, वैसे सर में से कितना निकला है ना वो दिखा भी नहीं सकते, बहुत डेंजरस है। उसमें थोड़ा तेल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये देखिए हमारा नीम का भैया है ना खाना खाने के बाद भी हखड़ा नहीं बैठा है, अभी मुँह में पता नहीं अपनी ये पेन है जो राइटिंग पेन रहती है वो डाल के टीवी देख रहा है, और क्या ही मजाक मस्ती कर रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। तो अभी सबने मस्त मज़ेदार खाना खा लिया, नहीं और विजय ने तो किचन में ही मस्ती स्टार्ट कर दी थी, और बस खाना खाने के बाद अभी चल रहा है कौन बनेगा करोड़पति, जो कि हमारा डेली शो रहता है नीव भैया का। वैसे उसको आज होमवर्क भी कुछ ज़्यादा ही है, तो अभी होमवर्क करते करते कभी कभी देख लेता है, क्योंकि आज देखने जैसा नहीं रहा है, ज़्यादा होमवर्क है। तो बस इसी के साथ आज का हमारा ये व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। होपफुली सबको अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो बाय बाय।